बड़ा मुद्दा नहीं है आपके अकॉर्डिंग? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? लड़कियों को फंसा लेना अपने जाल में, छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है गेमिंग के जरिए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है आपके अकॉर्डिंग? और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? दिखाया जा रहा है इस तरह के केसेस हो रहे हैं। आप देखिए संभल से, आप देखिए मुरादाबाद से, रामपुर से उत्तर प्रदेश में, आप उत्तराखंड में देखिए किस तरह से पुरोला के अंदर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर लड़कियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। तो उससे ज्यादा मुसलमानों की आपके पास मिलेगी अगर हम लिस्ट दिखाएंगे। मगर हम नहीं, हम इसको इशू नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं इस देश के अंदर विकास, धन, धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कब होगी? 2014 से शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अब लव जिहाद, ये 2014 से ये मुद्दों और मदरसों में जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है उस मुद्दे को आप नहीं उठाएंगे, उस मुद्दे के लिए आप नहीं कहेंगे, चीजों से उस मुद्दे के लिए तो आप नहीं बोलेंगे ना। इस मुद्दे से भटकाने के लिए आप सिर्फ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों से भटकाने की बात नहीं है। कोई मुद्दा छोटा, कोई मुद्दा बड़ा नहीं होता। मोहम्मद अफाक, अगर डॉक्टर राजकमल कुछ कह रहे हैं, किसी ने गलत किया है, आपके पास आपके पास डेटा है, उसका एक सेकेंड मुस्लिम अफाक, मैं आपके पास अभी, मोहम्मद अफाक मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ, सुनिए जरा, आप बोलिए डॉक्टर राजकुमार। गलत कह रहे हैं, देखिए लोग बढ़ते हैं, हमारे वहाँ कोई काम नहीं होता। मेरी बात सुनिए, पहला पता है 10 बच्चे 1000 बच्चों का स्टाइपेंड लिया जा रहा कि मदरसों के नाम पर, इमदाद के नाम पे गवर्नमेंट से पैसे लेके उस पैसे को कन्वर्जन में खर्च करा जा रहा है, धर्मांतरण के ऊपर खर्च करा जाता है। ये मदरसे बंद होने चाहिए, ये मदरसे तत्काल बंद होने चाहिए। ये पैसा जो हो रहा है सारे मदरसों को आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। इनकी जो ये नीति है, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, बंद होनी चाहिए। आप धर्म को भूल जाइए, किसी भी धर्म को, क्या ये सही है कि एक लड़की को फंसाया जाता है अपनी पहचान छिपाकर, अपना असली नाम छिपाकर, हिंदू लड़के की आड़ में, और कुछ तो ऐसी तस्वीर के हाथ में कलावा है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए है और निकलता है वो मुस्लिम? ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। मोहम्मद अफाक, दोनों गलत है। किसी लड़की, किसी लड़के को फंसाना गलत ढंग से गलत है, वो किसी भी धर्म का हो या इधर हो, तो अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। और जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं वो गलत है, उनको कानूनी शिकंजे मिला के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ इस वक्त। इमरान नौटियाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि अभी डॉक्टर राजकमल आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात जरा पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये फंडिंग हो रही है इन लव जिहाद के ऊपर पैसा दिया जा रहा है, आपको बता दूं 2-3 हजार रुपए महीने नौकरी करता है और मोटरसाइकिल मालिकों के लेकर कलावा लगा कर तीकर तिलक लगा कर मंदिर के सामने बैठते हैं, ये बंद करे। ये ब्रेन वॉश लोग होते हैं, इनके इनका ये पता लगाओ पीछे से पैसा कहाँ से आ रहा है। जो ये पैसा दिखाते हैं ना, ये बड़े प्रेस करके बड़े पढ़े लिखे, इन चीजों को पता लगाना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मेरी बात पे आज विश्वास कर लो, मान जाओ। इन्होंने मौलाना के 2014 की बात, 2000 मोहम्मद अफाक, जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी मैं डॉक्टर राजकमल के बयान पर। ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इन्हें मालूम है, इन्हीं ने जनता से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 24 अब कैसे जीता जाएगा और राज्यों में कैसे चुनाव जीता जाएगा, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं बैठ करके। ये कुछ नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, बहुत अच्छा। प्यारा हमारा देश है, हम सब अच्छा। मिलकर साथ में रहते हैं। इनकी जो है सियासत इस पे घबरा में, इनकी घबराहट बता रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे देश का राष्ट्रपति हिंदू, फिर भी हिंदू को हिंदू मुसलमान, अरे हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, हम तो कहीं भी नहीं रहे चीज को। अच्छा, क्या क्या ना इंसाफी हो रही है आपके साथ? क्या ना इंसाफी हो रही है आपके पास? कौन सी वो विकास की योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको नहीं मिल रहा? क्या मदरसों की शिक्षा अलग है? पैसा, हाँ, व्यापार के लिए कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको नहीं मिल रहा?
बताइए जरा मोहम्मद अफा, और जो आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2024 नजदीक है तो अभी इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो 2022 में भी इस तरह से उत्तराखंड के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। इस देश के अंदर हमें कमजोर करने की बात की जा रही है, इस देश के अंदर मुसलमानों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है, ये लोगों के कर्म फरमा है। ये इस तरह के बयान देकर, आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के बयान देकर मुस्लिम आवाम को धोखा दे रहे हैं। क्या जातियों को देखते हुए, क्या क्षेत्रों को देखते हुए विकास हो रहा है? क्या ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है? अरे जिस देश के अंदर तुम्हें इतना सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रपति भी मुसलमान होता है और कितने मंत्री, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी नहीं, इन्हें वो सब नहीं नजर आता, इन्हें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि 2024 नजदीक है तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि किस तरह पहचान छिपा कर लड़कियों को फंसाया जा रहा है। जो ठीक है, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी आप दोनों से, मुझे आपको यहाँ पर, चूंकि देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि क्या ये ठीक है इस तरह से आप लड़कियों को फंसा रहे हैं, धर्मांतरण का जो खेल हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी अब एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। देखिए लगातार हमारे दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। राजकुमार जी, आप अपनी बात जरा जल्दी से पूरी कर लीजिए, थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन आप जरा अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना सम्मान मुस्लिम समाज को भारत के अंदर दिया गया है आज तक, उतना दुनिया में किसी देश में दिया गया हो तो मुझे बता दो। पहली बात, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो कि जहाँ पे इनके साथ अन्याय हुआ, अन्याय होता तो ये आज 22 करोड़ नहीं होते, और वही पाकिस्तान जहाँ में 20 इतने से आज वहाँ 0.2% वो जल्दी से आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी मैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से हमें लेने देना कोई नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में मिलेंगे, पाकिस्तान से हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा कहने का मकसद है इस देश का माहौल जो 2014 से इतना खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, इससे पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त।